गुड़केश्वर थाना क्षेत्र के तहत आउटर रिंग रोड पर ढाबे के पास मंगलवार देर रात अज्ञात आरोपियों ने एक 35 वर्षीय युवती की हत्या कर दी। गुड़केश्वर थाना क्षेत्र के तहत आउटर रिंग रोड पर ढाबे के पास कल देर रात अज्ञात आरोपियों ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। मृतक का नाम गणेश अपार्टमेंट श्रीराम नगर ग्रीन बार के पीछे निवासी संजय धनराज चौहान बताया गया है। संजय की गणेशपेट थाना क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संजय चौहान कल मंगलवार रात 9:30 बजे अपनी पत्नी से यह कहकर बाहर गया कि कुछ देर के बाद लौट आएगा। वह एक्टिवा क्रमांक MH49AY3237 पर सवार होकर घर से निकला। संजय शराब का आदि था। उसने कल किसी से 15,000 रुपए उधार भी लिए थे। देर रात उसका किसी के साथ विवाद हो गया और इसी विवाद में आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। देर रात 3 बजे के करीब किसी ने उसकी पत्नी को फोन कर संजय की लाश पड़ी होने की जानकारी दी। उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचित किया और रिश्तेदारों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर ही संजय की एक्टिवा पड़ी हुई थी। गुड़केश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये विहीरगाव जवळ ओरिएंटल कंपनीच्या जवळ 100 मीटरच्या आसपास रात्री 2:30 वाजेच्या दरम्यान कंट्रोलवरून कॉल आला की ॲक्सिडेंट झाल्याबाबत कॉल आला होता। सदर ठिकाणी आमचे अधिकारी पोहोचल्यानंतर घटनास्थळाची पाहणी केली असता त्यामध्ये आम्हाला बॉडी मिळून आली। सदरचा प्रकार हा घात खुनाचा असल्याचे आमच्या लक्षात आल्याने सदरबाबत आम्ही पोलीस स्टेशनला बाधवी कलम 302 अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे। मृतकाचे नाव संजय धनराज चव्हाण, वय 36 वर्ष, साईनगर गणेश अपार्टमेंट, विंग A104, दिघोरी, नागपूर असा आहे। आरोपी ने संजय को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी खोपड़ी फुटकर बाहर आ गई थी, जबकि एक्टिवा पर खरोच का भी निशान नहीं था। इसी कारण संजय की हत्या किए जाने की बात उजागर हुई। संजुबा स्कूल के पीछे ओरिएंटल के पास वाले ढाबे के पास उसकी लाश बरामद हुई। संजय की जेब से 15,000 रुपए भी मिले। गुड़केश्वर पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच पुलिस भी हत्यारों का पता लगाने में जुट गई है।